सिंह साहब, आपसे दो लोगों के नाम के साथ आपसे बात कर रहा हूं, पुराने लोगों को छोड़ दीजिए, मैं 1989 के बाद वीपी सिंह की सरकार के बाद का अगर याद दिलाऊं तो ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने, एक भैरव सिंह शेखावत थे, भाजपा के थे, लेकिन उनकी निष्पक्षता के बारे में आप किसी से पूछ लीजिए, किसी पार्टी से, उनको किसी ने कभी नहीं कहा कि उन्होंने उनकी निष्पक्षता पे कोई उंगली नहीं उठाई। एक और व्यक्ति थे सोमनाथ चटर्जी, जब वो स्पीकर की कुर्सी पे बैठ गए तो उन्होंने अपनी पार्टी के आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया, और उसके बाद जो एक व्यक्ति जिसने जीवन के 60-70 साल वाम आंदोलन में लगाए, उसको एक तरह से और उसको अनाथ कर दिया गया था, उसको उस पार्टी ने डिसोन कर दिया, लेकिन उन्होंने उस सीट, उस स्पीकर की मर्यादा को रखा। ऐसे उसमें मैं इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूं, एक तरफ लोग कहते हैं कि अडानी जी सदन में नहीं है तो इसलिए उनका नाम मत लीजिए, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर आके राहुल गांधी भी नहीं है सदन में और नेहरू जी भी नहीं है, और फिर कहते हैं कि नेहरू का नाम राहुल गांधी क्यों नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये भी दोनों चीजों पर जरा बताइए, जो स्पीकर का लोअर वो हुआ और ये जो नेहरू के साथ ये राहुल गांधी का रिश्ता क्या जोड़ना चाह रहे हैं, तो उससे क्या हासिल होता, दोनों चीजों पर जरा आप सुन लें। जी नमस्कार, आज कुछ गला में प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी मैं धीरे बात कहूंगा। मेरी बात पहुंच रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है, धीरे बोलिएगा बहुत। हाँ जी हाँ, देखिए आनंद वर्धन भाई, पहली बात तो ये है कि जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं तो निर्वाचन की प्रक्रिया है, चुने हुए सदस्यों के द्वारा स्पीकर का चुनाव होता है, और यह भी तय है कि जिस पार्टी का बहुमत होता है तो उसके स्पीकर बनते हैं। दूसरी बात, यदि पार्टी को बहुमत नहीं है, कोई मिलीजुली सरकार है, तो मिलीजुली सरकार के द्वारा जिस भी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है वो उन्हें अध्यक्ष बहुमत से बना दिया जाता है। लेकिन एक परंपरा ये भी थी संसद की, भारतीय लोकतंत्र के संसद की परंपरा, कि विपक्ष के किसी व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया जाता था। देखिए, आप जब लोकतांत्रिक मर्यादा की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं की बात कर रहे हैं, ये परंपराएं भी खत्म हो रही हैं। विपक्ष के किसी भी व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाना ये एक लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकतांत्रिक परंपरा का पालन नहीं किया। एक बात और यहां कहना चाहूंगा कि जहां तक सवाल है स्पीकर का, देखिए ब्रिटेन में स्पीकर की जो परंपरा रही है कि एक बार कोई व्यक्ति अगर सदन में स्पीकर या अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो वह सर्वप्रथम अपने पार्टी से इस्तीफा दे देता है कि आज से मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं बल्कि इस जनप्रतिनिधि सदन का मैं अध्यक्ष हूं। और इससे आगे परंपरा ये विकसित हुई है कि आगे चल करके वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, एक बार अगर अध्यक्ष कोई व्यक्ति बन जाए तो लोक यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स के यानी कि जो जनता की चुनी हुई संसद का सदन है उसके लिए चुनाव में भी उनका प्रतिपक्षी पार्टी में विरोध नहीं करती है और वो निर्विरोध चुन लिए जाते हैं, और निर्विरोध चुने जाने के बाद फिर वो स्पीकर बन जाते हैं। भारत में ऐसी कोई परंपरा प्रारंभ से ही विकसित नहीं हुई, यानी स्पीकर पार्टी के द्वारा मनोनीत या निर्वाचित होने के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, तो एक परंपरा तो हमने विकसित ही नहीं की। और जब परंपरा कोई लोकतांत्रिक विकसित नहीं होती है तो धीरे धीरे परंपराओं में या लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली में गिरावट आने लगती है। आपने जिन व्यक्तियों का नाम लिया, बिल्कुल सही आपने कहा कि सोमनाथ चटर्जी को, जब आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो भी सरकार थी और उस सरकार में सीपीआईएम ने जो है वो उनको स्पीकर बनाया था, सीपीआई तो उसमें पार्टी भी बनी थी, है ना। पॉइंट सिर्फ इतना है कि जब डिफरेंसेस आए और उन्होंने, आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियर जो उसको लेकर के जो डिफरेंस हो गया था अमेरिका को, तो उसमें पार्टी ने जो है अपना समर्थन वापस लिया, है ना, सीपीआईएम ने अपना समर्थन वापस लिया और पार्टी के स्पीकर को, यानी कि पार्टी के द्वारा जो स्पीकर वहां पे नियुक्त हुए थे सदन के बहुमत से, उन्हें ये आदेश दिया कि आप इस्तीफा दे दीजिए स्पीकर पद से। लेकिन सोमनाथ चटर्जी ने कहा, ये एक अच्छी परंपरा थी,
कि मैं पार्टी का अब सिर्फ सदस्य नहीं हूं, मैं इस सदन का या चुने हुए सदन का मैं अध्यक्ष हूं। तो अगर पार्टी के किसी भी मुद्दे को लेकर के सरकार से कोई डिफरेंस है या कुछ भी है, लेकिन मैं इस कारण से सदन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। और आपने खुद ये बता दिया कि आगे चलकर पार्टी ने उनके साथ क्या व्यवहार किया। साथ ही साथ आपने एक और नाम लिया, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, भैरव सिंह शेखावत साहब का आपने नाम लिया, देखिए यह तो तय है कि अगर आप एक लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं तो किसी भी पार्टी के अगर रहेंगे तो लोकतांत्रिक संस्थाओं में जाने के बाद आप लोकतांत्रिक आचरण, जिसको डेमोक्रेटिक बिहेवियर कहते हैं, आप इसका पालन करेंगे कि अब मुझे इस संस्था के गरिमा के अनुकूल लोकतांत्रिक आचरण करना है। तो ये चीजें जैसे जैसे डिक्लाइन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि किन लोगों को अध्यक्ष बनाया जा रहा है, किस व्यक्ति को ब्रजेश सिंह ने स्वयं कहा कि गवर्नर के रूप में उनकी क्या भूमिका थी और किस प्रकार से गवर्नर के पद के अनुरूप उन्होंने आचरण नहीं किया। और लेकिन मजे की बात यह है कि वो प्रमोट हो गए, प्रमोट का मतलब है कि वो वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार बनाए गए पार्टी के द्वारा और बहुमत थी इसलिए वो उपाध्यक्ष, ये उपसभा, ये क्या कहते हैं, राज्यसभा के सभापति भी बन गए वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते एक्स ऑफिशियो। तो अब सवाल है कि अगर हम जगदीप धनखड़ साहब से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि सडनली वो लोकतांत्रिक आचरण करेंगे तो शायद ये हमारी भूल है, ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। उनका ओवरऑल आप जानते हैं कि कभी बीपी सिंह सरकार में वो मंत्री बन गए थे, है ना। तो आप इतिहास देखिए, पार्टी के नेताओं का अगर इतिहास ही ठीक नहीं है फिर उससे हम ये अपेक्षा करें कि वो लोकतांत्रिक आचरण करेंगे तो ऐसा संभव नहीं। अब रही बात कि जो पार्टी सत्ता में है वो कितना लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास करती है, तो उन्होंने तो किसी भी विपक्षी पार्टी के किसी व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाने स्वीकार नहीं किया, जो कि भारत में ये परंपरा रही है, तो उस परंपरा का भी पालन नहीं किया। और अब जानते, आपने कहा कि जो विपक्ष के नेता होते हैं उन्हें मंत्री पद का, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया, ये ब्रिटेन की परंपरा थी और ब्रिटेन में एक, बल्कि आप जानते हैं कि छाया मंत्रिमंडल का कॉन्सेप्ट रहा है, तो इसलिए पार्टी मूल रूप से होने के कारण, तो इसका मतलब होता है कि वो भविष्य के उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद के, और इसलिए वो प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, कैबिनेट रैंक का दर्जा भी प्राप्त है और उनका सम्मान भी, और वो सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं जो कैबिनेट मंत्री को दी जाती है। सिर्फ वो कैबिनेट मंत्री नहीं कहलाते हैं, प्रतिपक्ष के नेता कहलाते हैं। लेकिन अब आपने देखा होगा कि भारत में कई बार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश क्या रही है कि नहीं, आपके पास 10% जो है नंबर, जो रिक्वायर्ड नंबर है संविधान के द्वारा, वो नहीं है। यानी कि आप मूल रूप से संख्या के कारण ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रतिपक्ष का कोई नेता, प्रतिपक्ष का एक मान्यता प्राप्त नेता नहीं होगा क्योंकि उनके पास संख्या नहीं है। तो साफ जाहिर है कि आप किसी लोकतांत्रिक परंपरा में विश्वास नहीं करते हैं, वरना 10% का नंबर क्या होता है, जो सबसे बड़ी पार्टी है भले 10% से उसकी संख्या कम है, आप कहिए कि नहीं साहब प्रतिपक्ष के नेता को एक मान्यता प्राप्त प्रतिपक्ष का नेता और कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देने की भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा रही है, हम उस परंपरा का पालन करेंगे। लेकिन मोदी ने उसका भी पालन नहीं किया। तो अब सवाल है कि मोदी जी से या जो सरकार है क्या अपेक्षा करेंगे। देखिए स्पीकर के रूप में पीएस संगमा भी हुए, उनका भी आचरण जो है संसद के अध्यक्ष के रूप में बहुत बहुत प्रभावशाली रहा और मर्यादापूर्ण रहा, उनका भी कार्यकाल, जितना भी कार्यकाल था उनका। तो ऐसे स्पीकर भी हुए हैं, मावलंकर पहले स्पीकर थे और उनका जो है क्या आचरण रहा वो सबके सामने है। एक बात मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि स्वतंत्र भारत यानी कि आजादी के पूर्व की बात में कर रहा हूँ, रेफर कर रहा हूँ कि उस समय बल्लभ, ये जो है ये वल्लभ भाई पटेल के जो भाई थे, बड़े भाई लॉयर थे और विठल भाई पटेल, वो 1925 में उस समय की जो सेंट्रल असेंबली एक थी वो उसमें स्पीकर बने थे, और स्पीकर बनते ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, कहा कि नहीं नहीं हम अब जो है किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं है बल्कि मैं सदन का स्पीकर हूँ। भारत में पालन नहीं हुआ, राज्य के बाद पालन नहीं हुआ, ये जो तो निर्भर की बात हो रही है ग्रुप में भी पालन नहीं हुआ। तो ये बात है संसदीय लोकतंत्र जो परंपराएं हैं
और समय के साथ जो लोकतांत्रिक परंपराएं विकसित होनी चाहिए वो परंपराएं पहले तो आप उसको पालन नहीं कर रहे हैं, और नई लोकतांत्रिक परंपराएं जिसको कहते हैं कि और अधिक लोकतांत्रिकरण करना, डेमोक्रेटाइजेशन करना, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। तो उसका रीजन तो बहुत साफ है कि आप लोकतांत्रिक चुनाव में जीत कर तो आए हैं, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं और जो लोकतांत्रिक उसका पालन नहीं करते हैं। और आपको मैंने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते थे, और उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी बढ़िया बना लीजिए अगर संवैधानिक जो नैतिकता है उसका पालन नहीं होता है तो उसके साथ संविधान के सफल होने की संभावना नहीं रहती है। इसका मतलब है कि जो परंपराएं नहीं है उन परंपराओं को आपने जो है विकसित नहीं किया, जो परंपराएं हैं उनको समाप्त कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, संसद में अगर जनप्रतिनिधि बोलेंगे नहीं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि संसद में इसीलिए भेजे जाते हैं कि जन समस्याओं का वो वहां पर एक प्रकार से पूरे संसद के सामने, यानी जो भी सदन है, लोकसभा हो राज्यसभा हो, उसको उठाएंगे। तो आप संसद में अगर किसी सांसद की बात को कहने के उसको संसद के कार्यवाही से हटा दीजिए, एक्सप्यूम कर दीजिए, ये तो अपने आप में गलत है। अरे भाई जो बातें वो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप सीना ठोक करके कह रहे हैं कि जो कहता हूं ये कौन सी संसदीय परंपरा है, कुछ दिन में आप आज सीना ठोक रहे हैं, कल आप ताल ठोकेंगे। तो ताल अगर संसद में और जहां कुश्ती लड़ी जाती है अखाड़ा में, फर्क क्या रह जाएगा? तो आप देख सकते हैं उनकी भाषा, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका जो सीना ठोकने का तरीका है, वो सारी चीजों को आप देख लीजिए। तो अब आप बॉडी लैंग्वेज हो, पार्टी का चुनाव, और एक इम्पोर्टेंट सवाल, फिर वहां संसद में लोग उनके सांसद चिल्लाते हैं मोदी मोदी मोदी, ये संसद है? संसद में अगर यही होना है तो आप जान लीजिए एक दलीय अधिनायकवाद की ये एक प्रकार से स्थिति है, जहां नेता दल का अधिनायकवाद तो होता है लेकिन उसमें नेता का अधिनायकवाद होता है, और वो एक तरह से पर्सनल डिक्टेटरशिप जैसा या व्यक्तिक तानाशाही अधिनायकवाद के जैसा हो जाता है। तो आज तो हम उसी दौर से गुजर रहे हैं, और इसीलिए चाहे संसद हो या संसद के बाहर कहीं भी स्वतंत्र और जो जो खुली बहस की जरूरत है उस पर भी बहस नहीं हो पाती है। जहां तहां पुलिस के द्वारा बोलने की आजादी नहीं दी जाती है, मीटिंग करने की आजादी नहीं दी जाती है। तो ये पुलिस वाले तो संसद में जो कुछ होता है उससे बहुत कुछ सीखते हैं ना, तो इसीलिए इन बातों को भी समझने की बहुत जरूरत है। मुझे लगता है कि जब तक इस तरह की चीजें, जो पार्टी पावर में जाए, अगर जनता ने चुना है तो उनको शासन करने का अधिकार है, लेकिन उनके लिए संविधान, समय के साथ विकसित परंपराएं और जो अन्य परंपराएं दुनिया में है उनको भी आगे बढ़ाने की जरूरत है, तभी लोकतंत्र जो है वो कार्य कर सकता है या लोकतंत्र जो है मजबूत हो सकता है। अन्यथा तो ये लोकतंत्र के खतरे की स्थिति है, लोकतंत्र के लिए खतरे की स्थिति है। धन्यवाद। मैं शशि भाई साहब, मैं एक चीज और जरा आपसे समझ लो, असल में आज मेरे दो स्पीकर का वो ज्वाइन करना चाह रहा है, उनका वो नेटवर्क की इश्यू है, तब तक मैं आपसे एक चर्चा और कर लूं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब ये चाहते हैं कि उनको आप 140 करोड़ के लोगों का अगुआ, लीडर, नेतृत्व, नेता कहना चाहते हैं, बार बार ये कहते हैं 140 करोड़ लोग पीछे 140 करोड़। लेकिन दूसरी तरफ वो जब जब मुंह खोलते हैं या भाषण देना शुरू करते हैं तो वो केवल भाजपा के नेता के रूप में अपने को प्रचारित करते हैं, क्योंकि दोनों का एक फर्क है। अगर आप 140 करोड़ की बात कर रहे हैं तो उस विपक्ष को आपका दुश्मन नहीं है, वो राष्ट्रद्रोही नहीं है, वो राष्ट्र, आप जो बातें लगातार और जिस तरह की जो उस स्तर की बातें करते हैं, मैं एक स्पेसिफिक बात आपसे पूछ रहा हूँ, वो इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसको तो ऑपोजिशन के लोग भी, मीडिया के लोग भी ये मान रहे थे कि राहुल गांधी ने जो यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, वो अद्भुत थी, अभूतपूर्व थी, और उसमें जो राहुल गांधी बार बार एक तब 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 की बात कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं निकल के आया, उनके साथ बहुत से ऐसे लोग चले जो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में राहुल गांधी या कांग्रेस से उनका कोई मतलब ना हो, लेकिन उनको एक लगा कि देश के अहम सवालों पे, देश के उस पे अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो वो उसके साथ चलना जरूरी है, मुख्य बात ये थी। अब ये मोदी जी को ये मालूम नहीं कहां से इतना बुरा लग गया,
उनको जैसे कि भाई मेरे अलावा भी कोई तपस्वी हो सकता है, मेरे अलावा भी कोई मुझसे ज्यादा चल सकता है, मेरे अलावा भी। अच्छा, उनके जो जितने काम हुए हैं वो केवल वही देखे हैं। जैसे उनके बहुत से लोग कहते हैं कि वो नवरात्र में केवल पानी पी के रहते हैं, देखा किसी ने नहीं। वो चाय बेचते थे, देखा किसी ने नहीं। वो हिमालय की कंदराओं में वो करते थे, देखा किसी ने नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब वो ये कह रहे थे तो वो उन्होंने एक अपनी एकता यात्रा की बात की और उसमें वो इतना जोश में आ गए। आप तो यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं शशि भाई साहब, एक समय आप छात्र रहे थे, मैं भी छात्र रहा था। छात्र राजनीति में भी कुछ भाषा की मर्यादा रहती है। मैंने छात्र राजनीति में भी माँ का दूध पिया है और ये सब पिया है, ये मैंने नहीं सुना है। और मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब जब SFI मतलब कम्युनिस्ट पार्टी समाजवाद SYS वाले, कांग्रेस के NSUI, BJP के विद्यार्थी परिषद, ये सब लोग अपने चरम पे रहते थे, लेकिन मैंने कभी किसी को ये नहीं सुना कि माँ का दूध पिया है। ये जो भाषा के ऊपर उनका जानबूझ के करते हैं, नियंत्रण नहीं है या पता नहीं है, ये जरा मैं आपसे समझना चाहता हूँ। क्योंकि संसद के अंदर वो माँ का दूध कर रहे थे और उनको कोई कोई उसमें कुछ बोलने वाला नहीं था, सब सब चुपचाप थे। जरा ये मैं एक बार आपसे समझ लू। अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, पहली बात तो मैं एक और बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तो जो गांधी यानी राहुल गांधी या राजीव गांधी, इसका गांधी से उस प्रकार का संबंध नहीं है, क्योंकि फिरोज गांधी ये टाइटल अपने लिए इस्तेमाल पहले करते थे, उसका संबंध आप पीछे ढूंढ सकते हैं। लेकिन फिरोज गांधी राजीव गांधी के पिता थे और इसलिए आप सोच सकते हैं कि फिरोज गांधी के कारण ये राजीव गांधी, संजय गांधी और आगे चल करके कोई भी, आप जानते हैं कि परिवार में इसी प्रकार से टाइटल जारी रहता है। और चूंकि इंदिरा गांधी बेटी थी तो नेहरू के टाइटल को आगे कैरी करने का कोई सवाल नहीं उठता है भाई। वो तो इंदिरा नेहरू शादी के पूर्व लिख सकती थी ना, शादी तो फिरोज गांधी से हुई। तो एक तो इस बात को समझना जरूरी है, दूसरे क्योंकि ये लोग जो जानकारी नहीं है झूठ बोलते हैं और मिथ्या तथ्यों के द्वारा दुनिया तक और लोगों तक झूठ फैलाते हैं। दूसरी बात, जहां तक नेहरू के लोकतांत्रिक कार्य का सवाल है, नेहरू निहायत ही लोकतांत्रिक नेता थे। आपको मैं बता दूं कि यही फिरोज गांधी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, जो उनके दामाद भी थे लेकिन वो कांग्रेस के सांसद भी थे, लोकसभा के सदस्य भी थे, और जब मुद्रा कांड को लेकर के उन्होंने ये मुद्दा उठाया और उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री पे आरोप लगाए और नेहरू जी ने उनको रोका नहीं, वो अपनी बात कहते रहे और अपनी बात को कहने के बाद आप जानते हैं कि वो मुद्दा इतना बड़ा हुआ कि अंत में वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और नेहरू पार्टी के तो वो थे ही, दामाद भी थे, इसका क्या मतलब है? लेकिन आज क्या पार्टी का कोई नेता संसद में बिना मोदी की इच्छा के या मोदी की इच्छा के विरुद्ध कोई बात कर सकता है क्या? या तो सब मोदी मोदी चिल्लाने वाले, आप समझ सकते हैं कि ये सांसदों की पूरी एक तरह से झुंड है। वो ये नहीं समझ रहे कि जनता ने उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है, भले वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुन करके आए हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बात को भी समझना जरूरी है कि संसद में बोलने के लिए पूरी आजादी सदस्यों को मिलनी चाहिए। हाँ, जब मतदान का समय आएगा, आपको लगता है कि मतदान में सरकार को बहुमत के आधार पर चुना भी गया है और बहुमत बने रहने तक सरकार में रहना भी है, तो व्हिप जारी की जाती है सचेतक के द्वारा जो है, और ऐसी स्थिति में फिर पार्टी के पक्ष में लोग मतदान भी करते हैं। लेकिन बोलने की आजादी नहीं, सरकार की आलोचना करने की आजादी, चलिए पार्टी के लोगों को तो नहीं है, विपक्ष को भी नहीं, और विपक्ष क्या कहेगा ये सरकार तय करेगी। बिल्कुल सरकार तय नहीं कर सकते, फिर विपक्ष की क्या जरूरत है? और जनतंत्र में अगर विपक्ष को आप कमजोर करते हैं तो इसका मतलब आप जनतंत्र पर जो है कुठाराघात कर रहे हैं, जनतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी दुनिया का जनतंत्र बिना प्रतिपक्ष के एक जनतंत्र के रूप में क्रियाशील नहीं हो सकता है,
तो एक दलीय तानाशाही की स्थिति है, एक दलीय अधिनायकवाद की स्थिति है, तो इन बातों को भी समझना जरूरी है। अब रही बात कि जो देखिए जो छात्र के या युवाओं के नेता होते हैं, स्टूडेंट लीडर होते हैं, एक समय उनकी भी ट्रेनिंग होती थी, वो पार्टी में रातों रात किसी यूनियन के लिए जो है अध्यक्ष के उम्मीदवार या सचिव के उम्मीदवार नहीं बनाए जाते थे, पार्टी के यानी कि संगठन की बात कर रहा हूं मैं, छात्र संगठन, उसमें वो काम करते थे, फिर उस काम करने के दरमियान जो है वो उस संगठन के विषय में जानते थे और फिर उन्हें एक प्रकार की ट्रेनिंग थी कि क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है। अब तो ये सब कुछ नहीं होता है। अब देख लिया हमने तो दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव में देखा है, जिसे कोई नहीं जानता है, रातों रात जो वो एबीवीपी का या एनएसयूआई का इस तरह के जो है वो लीडर बना दिए जाते हैं, पैसे का जमकर प्रयोग होता है और तमाम तरह के नियम कानून की जो लिंगडो कमेटी के आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी का, उसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस प्रकार का खुला उल्लंघन होता है, नेकेड वायलेशंस होते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि दूसरी तरफ जो सीपीआई या तमाम इस तरह के जो कुछ लेफ्ट विंग के या कुछ अन्य इंडिपेंडेंट लेफ्ट विंग के स्टूडेंट यूनियन है, मैंने देखा है उनके नेताओं को यानी छात्र नेता या जो जो स्टूडेंट लीडर है चाहे वो महिला ही क्यों ना हो, उनको मैंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते नहीं देखा। क्यों? उनकी एक ट्रेनिंग होती है, वो लगातार प्रदर्शनों में हिस्सा लेते हैं, विषयों के विषय में सुनते रहते हैं, फिर उन्हें मौका मिलता है, फिर वो बोलते हैं। मैं तो कई छात्र संघ के दिल्ली विश्वविद्यालय में स्टूडेंट लीडर को देखा कि कहा करे आप दो शब्द तो बोलिए, डूटा के किसी कार्यक्रम में बुला करके, देखिए शिक्षकों की ये समस्याएं हैं, छात्रों की भी ये समस्या है, क्यों ने शिक्षक और छात्र मिलकर के संघर्ष में हिस्सेदारी करें, आप आइए और अपनी बात कहिए। अरे नहीं 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 नहीं, हमें कुछ कहना नहीं है, आप हम आपके साथ हो जाएंगे। बोलने से डरते हैं, क्यों? ना तो विषय की जानकारी है, ना तो उनको किसी प्रकार के बोलने का अभ्यास है, और इस प्रकार का नेतृत्व जो है, जो लीडरशिप क्वालिटी है, वो इमर्ज नहीं हुई है, वो वन डे में नहीं होता है। आप ये मत समझिए कि एक दिन में आप जो है नेता बन करके और इस प्रकार का भाषण दे पाएंगे और उसमें अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, जो विषय है उस पर आप बोल पाएंगे। तो इसलिए आप गांधी के विषय में देखिए, गांधी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के हृदय के, है ना, हृदय के नेता बने। प्रारंभ में वो बोलने में बहुत घबराते थे, माय एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लिख रखा है कि किस प्रकार से छात्र जीवन में वो बोल नहीं पाते थे। लॉयर बने थे तो समय कोर्ट में वो बोल नहीं पाए, प्रैक्टिस छोड़ दी और ड्राफ्टिंग करने लगे और फिर अंत में दक्षिण अफ्रीका तो वो गए, लेकिन क्रमशः जो दक्षिण अफ्रीका में फिर धीरे धीरे उन समस्याओं को लेकर के वो बोलने लगे और फिर आप जानते हैं कि लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को जीतने वाले एक जननायक बने। तो इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लीडर्स आर नॉट मिनट डे, एक दिन में नेता नहीं बनते। नेता बनने का मतलब है विषय की समझ, उनको बोलने की कला, शब्दों में मर्यादा, और जो भी प्रतिपक्ष हैं उनका भी सम्मान करना। तो इसलिए ये समझ एक दिन में विकसित हो भी नहीं सकती, और आज के यूथ लीडर की, स्टूडेंट लीडर की यही मर्यादा जो है वहां पर नहीं है। क्यों? देयर इज नो ट्रेनिंग एट ऑल। अब तो पता नहीं पैसा दे करके वो चुनाव में टिकट भी लेते हैं, पैसे के बल पे चुनाव जीतते हैं और जाति और तमाम तरह की चीजें होती हैं। और आप जान लीजिए कई बार जो है वो जा करके कॉलेजेस में तोड़ फोड़ करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, तो ये आप खुलेआम देख सकते हैं। तो छात्र नेताओं यानी स्टूडेंट लीडरशिप के क्वालिटी में जो गिरावट आई है वो भी इस बात का रिफ्लेक्ट करता है कि देश में किस प्रकार का पॉलिटिकल क्लास इमर्ज कर रहा है। आखिरकार उसी में से कोई विधानसभा और या संसद में पहुंचता है तो आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? तो वो बहुत मर्यादित भाषा, संसदीय भाषा, लोकतांत्रिक परंपराएं इसका पालन करेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, पार्टियों के जो स्टूडेंट विंग हैं या तमाम तरह के जो विंग्स हैं, अगर वहां पर इस प्रकार की ट्रेनिंग हो, पार्टी के अंदर नेताओं की ट्रेनिंग हो, कैसे जनता के बीच जाएं, जन समस्याओं को उठाएं और फिर वहां से जन समस्याओं को उठा करके आप संसद या विधानसभा में उन जन समस्याओं को रखें, तो अगर आप ऐसा करेंगे तब तो जो है वो लीडरशिप जो है इमर्ज करेगी। लेकिन आप तो रातों रात किसी को भी मनमाने ढंग से जो है वो चुन करके उसे नेता बना दीजिए। यही कारण है कि एक लोकतांत्रिक जो ट्रेडिशन है, जब वही विकसित नहीं हो रहा है,
जब एक नेता किसी को भी नेता बना सकता है, किसी को मंत्री बना सकता है, किसी को गवर्नर बना सकता है, किसी को वाइस प्रेसिडेंट बना सकता है, तो फिर वो जनतंत्र में कितनी आस्था रखेंगे, कितनी जनतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करेंगे, बोलने की कैसी कला उनके पास है, वो आपको सब दिख जाएगा। इसलिए चाहे वो कोई पार्टी हो, और ये गिरावट आई है बहुत तेजी से, जब पार्टी का संगठन कमजोर हुआ और एक पॉपुलिस्ट लीडरशिप यानी कि लोक लुभावन तरीके से जनता में अपनी छवि निर्माण करके और जनता में अपनी छवि बनाकर पार्टी को संसद में मंत्री प्रधानमंत्री, इससे ये गिरावट चालू थी। और मेरी नजर में पॉलिटिकल पार्टी आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि लोकतांत्रिक जो संस्कृति है और लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों में है ही नहीं। कौन कहां से उठेगा या नोट बिटिंग अप फ्रॉम द लोएस्ट, वो रातों रात पे बचते हैं पैराशूटर्स, है ना, वो पैराशूट की तरह ऊपर से आते हैं, हाँ जी ये हमारे नेता है। और ये शिक्षक नेताओं में भी देखा जा रहा है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये गिरावट चारों तरफ है और यह गिरावट अंततः वो जनतंत्र के लिए और जनतंत्र की गिरावट है जो जनतंत्र को कमजोर करेगा, और उसी का रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब चाहे मोदी जी बोले या कोई बोले वो संसद में दिखता है। प्रतिपक्ष का कोई सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है, जो बात उनको पसंद नहीं है वो सुनना पसंद नहीं करते हैं, और जिस दिन ये बात होती है उस दिन जनतंत्र खत्म होने की स्थिति में पहुंच जाता है। आपको प्रतिपक्ष की बात सुननी होगी, आपको प्रतिपक्ष की आलोचना सुननी होगी, और साथ ही साथ उसके अनुरूप आपको प्रतिपक्ष के नेताओं का संसद के पटल पर बहुत ही सम्मान पूर्वक विनम्रता पूर्वक जवाब देना होगा। राहुल गांधी प्रश्न कुछ और कर रहे हैं, जन समस्याओं के और तमाम विषय पे, एक भी प्रश्न का उत्तर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में नहीं है। आप प्रधानमंत्री हैं, देखिए एक बात समझ लीजिए, एक 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 अरब 40 करोड़ या जो भी संख्या वो बताएं, चुनने वालों की संख्या कितनी है, वोटर्स, फिर वोटर्स में कितने परसेंटेज वोट लेने मिले। लेकिन मैं इसको सवाल को भी नहीं उठाता हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि जो व्यक्ति भी प्रधानमंत्री चुना जाता है, चाहे वो एक दल का बहुमत का हो या कई दलों से मिल करके, वो वीपी सिंह हो सकते हैं या मोदी हो सकते हैं या देवेगौड़ा, वो देश के नेता है, और देश के नेता है इसलिए कि वो प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें उस गौरव को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ही रिप्रेजेंट्स और सी रिप्रेजेंट्स द कंट्री, है ना, इन द यू नो वर्ल्ड यानी आउटसाइड द कंट्री। तो अगर इस बात का वो ध्यान नहीं रखेंगे, सिर्फ चिल्लाएंगे हम 1 अरब 40 करोड़ के प्रतिनिधि हैं, अगर ये आंकड़ों की बात करेंगे, आप बताइए कि क्या इस मुल्क की जनता या नागरिकों का या मतदाताओं का, जाने दीजिए अन्य आंकड़े, आप बहुमत के प्रतिनिधि है क्या, क्या आपके पास वो परसेंटेज है क्या, नहीं है। तो ये सवाल तो अलग सवाल है, लेकिन ये बात तय है, इस बात से मुझे मानने में कोई इनकार नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो एक दल का हो या कई दलों से मिलके बने, अल्पमत की सरकार ही क्यों ना हो, इस बात को समझने की जरूरत है। धन्यवाद।